कैसे हैं आप? आज से हम स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 2018 में जो भी जैसे भी रहा उसे 2019 में ठीक कर लीजिए। मैं रोज आपकी जिंदगी से जुड़े दो टॉपिक पर बात करूंगी। ये टॉपिक आपकी जिंदगी का हर हिस्सा कवर करेंगे। आपके अगले साल की तैयारी आज से शुरू कर देनी है तो साल 2019 का पहला स्पेशल शुरू करते हैं। आज मैं आपको अगले साल की शुभ ज्वेलरी दिखाऊंगी जो हर सुहागन को पहननी चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ी सबसे खास जानकारी दूंगी जो अगले साल आपके काम आएगी। आपको साल 2019 में सेहतमंद रखने वाले उपाय भी होंगे और हर हाउसवाइफ जरूर जानना चाहेगी कि साल 2019 में उसके घर कौन सा बर्तन आने से परिवार की किस्मत बदल जाएगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आज से हमारे सारे ईयर एंडर की शुरुआत हो रही है और इस साल 2018 में आपकी सेहत खराब रही तो अगले साल आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। साल 2019 में सेहतमंद रहने वाले 5 महा उपाय आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले महा उपाय की बात करते हैं। बीमार होते रहते कुछ समझ में नहीं आता सेहत को क्या हो जाता है। लगातार 21 दिन तक रोज सूर्यास्त के समय गाय का आधा किलो लें, उसमें 9 बूंद शुद्ध शहद की 10 बूंद गंगा जल की डालें। शहद और गंगा जल मिलाकर दूध को अच्छे बर्तन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर हर हर गंगे बोलते हुए घर में छिड़काव करें। बस दूध की कुछ बूंदे छिड़काव करनी है, उसके बाद घर के मेन गेट के आगे या पौधे में या कहीं पर भी डाल दें। आप घर के मेन गेट पर भी छिड़का सकते हैं या वहीं छोड़ सकते हैं और बोलें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये 21 डेज तक करते रहें। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी बीमार हूँ तो डॉक्टर को सबसे पहले दिखाना चाहिए, साथ में कोई भी रेमेडी करनी चाहिए। मुझे आपको हम सबको दो सबसे ज्यादा पसंद चीजें होती हैं, वो है ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड। किसी भी ज्वेलरी को हम बहुत पसंद करते हैं तो क्यों ना पहले इसी की बात कर ली जाए। इस साल आपने जो खरीदा है वो खरीद लिया, लेकिन 2019 में आप अपनी राशि के हिसाब से ज्वेलरी की शॉपिंग कीजिएगा। आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदना है वो जान लीजिए। मेष राशि वालों के लिए चांदी के गहने शुभ होते हैं। पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा, इयररिंग या अंगूठी, कुछ भी चांदी का आप ये बना गहना अपने आने वाले साल पहनिए, आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्ड का कड़ा जो है ये पहनना बहुत ही शुभ होगा। गोल्ड का आप प्लेन कड़ा पूरे साल पहनिए, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस दिन सोने के गहने पहनने चाहिए। कोई भी सोने का गहना वो पूरे साल पहने तो आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि वाले लोग डायमंड की रिंग पहने, इससे आपको लाभ मिलेगा, सब आपके इशारे पर काम करेंगे। सिंह राशि वाले लोग नए साल वाले दिन सोना जरूर खरीदें, साल भर गुड लक बना रहेगा, या फिर अपनी कोई भी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को कच्चे दूध में धोकर शुभ करके पहनना अच्छा होगा। कन्या राशि वालों को नए साल वाले दिन अपने घर सोने से बनी गणेश जी की मूर्ति, फोटो, जैसे वो आजकल सिर्फ गोल्ड प्लेटेड होती है ना, वो भी ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप गणेश जी का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। तुला राशि वाले लोग डायमंड के इयररिंग पहने तो साल भर कोई उनके पीछे कोई भी बुराई नहीं करेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आने वाले साल को शुभ बनाने के लिए प्लैटिनम की बनी कोई भी ज्वेलरी पहननी चाहिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। धनु राशि वालों के लिए चाहिए कि वो अपने सभी पुराने गहनों को नई पॉलिश करवा कर पहने, आने वाले साल में आपके साथ सब कुछ नया नया होगा। मकर राशि वालों के लिए चांदी शुभ है और चांदी का छल्ला पहनने से आपकी हर बात में वजन होगा और कोई आपकी बात नहीं टालेगा और ना ही आपसे कोई झगड़ा करेगा। कुंभ राशि वाले अगर आने वाले साल में डायमंड की नोज पिन पहनेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोग आपकी बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों को ये लोग जितना ज्यादा सोना पहनेंगे इनके काम उतने ही ज्यादा बनेंगे, तो कोशिश करिए कि आने वाले साल आप ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पहने भी और खरीदे भी। ज्वेलरी की बात चल ही रही है और सुहागन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
इसका फायदा भी क्या होगा। तो 2019 में हर सुहागन को कौन से 5 जेवर पहनने जरूर चाहिए वो बता रही हूँ। हर सुहागन बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहला है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में सोने का पेंडेंट लगा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण धारण करने से शरीर शुद्ध होता है। नहाने के बाद सोने का स्पर्श करके जो पानी शरीर पर गिरता है उससे पापों को मुक्ति मिलती है। मंगलसूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है तो पति के प्रति आपका प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ अन्य चिन्ह भी बने होते हैं जो बुरी नजरों से आपको बचाते हैं और बचाने वाले माने जाते हैं। इसी तरह से बाली बिछुआ ऐसा माना जाता है कि एक बिछिया स्त्री के भीतर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। पायल की तरह चांदी की बिछिया भी इच्छा शक्ति उजागर करने की शक्ति रखती है जो पहनने वाली स्त्री को हर तरीके के नकारात्मक प्रभाव से दूर रखती है। इसी तरह से पायल की धातु हमेशा पैरों से रगड़ती है जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे इनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही पायल पहनने से फीमेल्स का आकर्षण कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और झुमका, देखिए झुमका पहनने से आपके कान का ये एरिया लटकता है और फेस रीडिंग में, चाइनीज फेस रीडिंग में इसको मनी बैग भी कहा गया है। तो इस पर जब सोने का वजन आता है तो आप पैसे को अट्रैक्ट ज्यादा करने लग जाते हैं। शो में आगे बढ़े इससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है चलिए ये बताती हूँ। सवाल क्या है ध्यान से सुनिए। क्या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही? कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही है। आपको अपने घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते वक्त याद रखें कि लौ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर हो और दीपक के बीच में फूलदार बाती लगाना भी शुभ होगा। गोल्ड तो सभी के घरों में होता है लेकिन गोल्ड साल 2019 में आपकी किस्मत चमका सकता है। ये कैसे होगा वो जानिए। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अनामिका उंगली में सोना पहनने से बढ़ सकता है आपका मान सम्मान। जिन्हें मान सम्मान बढ़ाना होता है, मान सम्मान बढ़ाना है, उन्हें अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में गोल्ड पहनना चाहिए। ये उंगली सूर्य ग्रह के प्रभाव में आती है और मंगल ग्रह के भी। सूर्य देवता की को प्रसन्नता मान सम्मान को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस उंगली में तांबे की अंगूठी भी पहनी जा सकती है। आप जानिए किस उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से विकसित हो सकते हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी के गुण। जो लोग कॉम्प्लेक्सेस से गुजर रहे होते हैं, जिनमें हीन भावना के शिकार होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, जो खुद को दूसरे से कम समझते हैं, ऐसे लोगों को इंडेक्स फिंगर में पहली उंगली में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए जिससे कि कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है, साथ ही लीडरशिप के गुण भी बढ़ते हैं। अब जानिए क्या गले में सोना पहनने से मिलती है दिल को मजबूती। गले में सोने की चेन का लॉकेट धारण करना चाहिए जिससे आपके बॉडी के पोर्स के अंदर इस एरिया में गोल्ड जाता है जिससे आपके हाथ को, सिर को, पैर को मजबूती मिलती है। और याद आया, सिर और पैर में गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से इंसान बीमार हो सकता है क्योंकि सोना जो है ये गर्म मेटल है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैर में सोना कभी नहीं पहनना चाहिए। सोने से निकलने वाली जो ऊर्जा है, गर्म एनर्जी है, ये सिर और पैर दोनों पर ही अपना प्रभाव डालेगी जिससे शरीर के अंदर गर्म एनर्जी बढ़ जाएगी। ऊर्जा चक्र गड़बड़ाने से मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। अब जानिए कैसी ज्वेलरी आपको पहनने से बचना चाहिए। आजकल सोने का कवर बनाकर उसके अंदर चांदी या दूसरे मेटल भरकर ज्वेलरी तैयार की जा रही है। कई जगह ऐसा हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। ये ज्वेलरी इस तरह दिखाई देती है जैसे पूरे सोने से ही बनी हो, लेकिन अगर आप ये फर्जी ज्वेलरी पहनते हैं तो ऊर्जा इससे निकलती है, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जानिए नाक और कान में कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। साइंस के मुताबिक एनर्जी का प्रवाह हमेशा किनारों से अंदर आता है, इसीलिए सिर के दोनों किनारों और नाक में गोल्ड की ज्वेलरी पहननी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जब सोने की बात हो ही रही है तो नए साल पर जो भी पहले सोने के आइटम खरीदे उसको 900 ग्राम चने की दाल के साथ लपेट कर रख दे। अगले दिन वो सोने की आइटम अपने ईष्ट भगवान या मंदिर में कुछ देर के लिए रखे और चने की दाल को बाहर किसी मंदिर या गुरुद्वारे में छोड़ा है। ऐसा करने पर आपके घर साल भर सोने की कतार लगी रहेगी। राशि के हिसाब से आपको कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है आपने जान लिया, लेकिन अगले साल कौन सी ज्वेलरी ट्रेंड में रहने वाली है आइए वो भी जानते हैं।
नए साल की शुरुआत होने जा रही है और इस नए साल में क्या कुछ डिजाइन ट्रेंडिंग होंगे, क्या कुछ ज्वेलरी में जो है वो अच्छा होगा, ये आज हम बताएंगे। हमारे साथ है ज्वेलरी डिजाइनर रिजवाना। हेलो। हेलो। आने वाले साल में कौन सी ज्वेलरी जो है वो ट्रेंड में रहने वाली है? 2019 में आई थिंक सो द हाई एंड मीना वर्क विथ कुंदन, ये पूरा साल मीना वर्क के साथ में वी आर गोइंग टू डू। हम लोग ब्राइड्स के लिए ये मीना वर्क पे काम करेंगे एंड इट्स गिविंग यू अ नाइस कलर एंड टिंट ऑफ कुंदन। देन हम लोगों ने डिफरेंट डिजाइन बनाए हैं विद डिफरेंट कलर्स, पेस्टल्स कलर्स के साथ बनाए हैं और हम लोग पर्ल्स के साथ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ब्यूटिफुल गेरू कलर के झुमके भी दिखाएंगे विच आर गोइंग टू रोटेट और ये बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं पहनने के बाद। कोई भी अगर नेकपीस नहीं पहनना है, सिर्फ झुमके पहनने हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप पार्टी जा रहे हो या कुछ बहुत ट्रेडिशनल नहीं पहनना है, देन यू हैव दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स क्लॉक और ये बटरफ्लाई विद नेस्ट, इट्स वेरी ट्रेडिशनल। काशी डिजाइन बोलते हैं जिसको, जो टेम्पल ज्वेलरी में बिलोंग करते हैं, पूरा रेंज है एक्सक्लूसिव एंड हाई फैशन हाई एंड। जिसको अगेन बहुत डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, तो ये फेस में बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी जाके इसी तरीके से शॉपिंग कीजिए, अपना न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आइए जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय क्या है। आज सोमवार को मैं आपको सेहत से जुड़े 5 महा उपाय बता रही हूँ, 2 बता दिए हैं, आइए अब तीसरा महा उपाय भी जान लीजिए। क्या कोई लंबे वक्त से बीमार है और बीमारी बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो गुड़ के गुलगुले 1.25 किलो सरसों के तेल में पकाकर सैटरडे और संडे को बीमार इंसान के सिर से उतार कर मंत्र बता रही हूँ, उसे 7 बार बोले, ओम रक्षो विध्वंसाय कार्याय नमः। फिर चील क्रोस कबूतर चिड़िये जो भी बर्ड्स खाती है टुकड़े टुकड़े कर उनके लिए डाल दें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ऐसा 3, 5 या 7 times करें, आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन प्लीज डॉक्टर को दिखाना नहीं भूलें। आपका इलाज, आपके आपकी तरीका जो इलाज का है वो बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा। आज
आपकी सेहत की बात भी करना चाहती हूँ। अगले साल आपकी सेहत बनी रहे अगर आप सही बर्तन में खाना खाएंगे, इसीलिए आप अपनी फैमिली के लिए सेहत वाला बर्तन लाइए। सेहत वाला बर्तन कौन सा है आपको बताने जा रही हूँ। साल 2019 में इस्तेमाल जरूर करें। सोना एक महंगा मेटल है। सोना लाल, सफेद और पीले रंग में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पीले सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे। सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनाने और करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ सोना आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, आंखों को तेज करता है। चांदी, सोने के बाद चांदी दूसरी कीमती मेटल है। चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके बर्तन में भोजन बनाने और करने से कई फायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज होता है, आंखों को सेहतमंद होना, आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और गैस पर भी कंट्रोल होता है। इसी तरह से कांसा, चांदी के बाद कांसा का मेटल कीमती होता है। ये चांदी से थोड़ा सस्ता होता है और इसके बर्तन का इस्तेमाल मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। इसके बने बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून प्यूरिफाई होता है, भूख बढ़ती है। लेकिन कांसा खट्टी चीजें इसमें नहीं परोसनी चाहिए, खट्टी चीजें इस मेटल से मिलकर जहरीली हो जाती हैं। इसी तरह से तांबा, तांबे के बने बर्तन को हर घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल में लाया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा करता है, लीवर की समस्या दूर करता है। तांबे का पानी शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म कर देता है, इसीलिए इस बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। इसी तरीके से पीतल, कई घरों में पीतल के बर्तन का भी इस्तेमाल होता है। इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोहा, लोहा लगभग हर घर में लोहे के बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें बने भोजन में शरीर में शक्ति आती है, इसमें आयरन होता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि को नुकसान होता है, लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। इसी तरह से स्टील, स्टील के बर्तन में नुकसान नहीं होता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है, ये आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसीलिए इसे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए, खाने में नहीं यूज करें। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अंग्रेज लोग जेल के कैदी को इसमें खाना परोसा करते थे और पकाया करते थे। जब हेल्थ की बात हो ही रही है, तो क्यों ना आपके हाथों से जुड़ी उस रेखा के बारे में बताऊं, जिसे आप अगले साल में बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहेंगे। वो रेखा कोई और नहीं, जीवन रेखा है। जीवन रेखा हृदय रेखा के ऊपरी भाग से शुरू होकर आम तौर पर मणिपन तक जाकर समाप्त हो जाती है। ये देखिए कि जीवन रेखा ये ऐसे निकलती है और यहाँ तक आती है। जो राउंड लिए हुए अंगूठे के पास का एरिया है ना, ये जीवन रेखा होती है। ये रेखा भाग्य रेखा के समांतर चलती है, मतलब ये आपकी भाग्य रेखा, इसके साथ साथ पैरेलल चलती है। पर कुछ व्यक्तियों की हथेली में जीवन रेखा हृदय रेखा से निकलकर भाग्य रेखा में किसी भी बिंदु पर मिल जाती है। कैसे होता है? या ये ऐसे मिल जाती है इस पॉइंट पर, या ये ऐसे मिल जाती है इस पॉइंट पर, कई बार इंटरसेक्शन बैठ जाता है। जीवन रेखा भी तभी उत्तम मानी जाती है अगर उसे कोई और रेखा ना काट रही हो और वो लंबी हो। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की आयु लंबी होगी और हेल्दी रहेगा, अधिकतर जीवन सुखमय बीतेगा। रेखा छोटी या कटी होने पर आयु कम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल जरूर होता है। अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। बात करते हैं चौथे महा उपाय की। सवाल ये है कि क्या घर में बच्चा बहुत बीमार रहता है, उसको नजर लग गई है, हाथ में चुटकी भर रक्षा धागा लेकर या रक्षा सिंदूर लेकर बृहस्पतिवार को ओम चैतन्य गौरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उसको आप पुड़िया में बंद करके आप काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांध दें। इससे बच्चे को बुरी नजर का खतरा कम हो जाता है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे,
पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, दुर्गा माँ की आरती आप जरूर कीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग, गरीब महिला को श्रृंगार का सामान दीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, सोच समझ कर खर्चा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। सिंह राशि के लोग, किसी को भी पैसा उधार नहीं दें, लक साथ दे रहा है आपका 54%। कन्या राशि के लोग, साबुत हरे मूंग की दाल का करदान करें, लक साथ दे रहा है आपका 66%। तुला राशि के लोग, गौशाला में चरी का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग, मंदिर में मूली का दान करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मकर राशि के लोग, 5 जलते हुए दिए मंदिर में रखाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग, भोजन में गाय का कुछ पार्ट निकाल के दें या गाय को भोजन दें, लक साथ दे रहा है आपका 63%। और मीन राशि के लोग, जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहा दीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 65%। फेसबुक पर गोलू मालवीय ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। ये यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने के उपाय जानना चाहते हैं। एक शॉर्ट उपाय है मेहनत और दूसरा है फोकस। इन दोनों के अलावा अपने लक को एनहांस करने के लिए, फोकस एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि बिल्कुल पीठ को सीधी रखकर आप पढ़ाई करें, और जमीन पर अगर आसन लगाकर पढ़ते हैं पीले रंग का, तो ये आपके जुपिटर को स्ट्रांग करेगा, जिससे पढ़ी हुई चीजें जल्दी याद होंगी। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या घर में किसी की बीमारी देखी नहीं जाती? बहुत दुख होता है। बीमार इंसान के ऊपर से एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल, पताशे 31 times उसारकर आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए किसी भी पेड़ के पास जाके छोड़ दें। ऐसा करने पर थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, लेकिन प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कल होगी आपकी फैमिली की बात, आपके रिश्तों की बात। इस साल अगर घर में या रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम रही तो कल ठीक होगी। साथ ही कल आपके नए साल के फैशन से भी आपको अपडेट कराऊंगी। अब हमारा न्यू ईयर शो और न्यू जनवरी शो 7 जनवरी तक चलेगा।